पहले लोकतंत्र के मंदिर की उधरती इस मर्यादा को देखिए। और अब देश के प्रधानमंत्री का ये दर्द देखिए जो उन्होंने अपने इस ट्वीट में बयां किया है। दो लाइन पढ़ लेते हैं। हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। यहां खूबसूरती भी है और दर्द भी है। दर्द है देश की संसद की मर्यादाओं को तार तार करने का, और खुशी है उस संस्कार की जो देश के उपसभापति ने दिखाए। वैसे दर्द उपसभापति के उस पत्र से भी निकला है जो उन्होंने सभापति के नाम लिखा। राज्यसभा में जो कुछ हुआ उससे पिछले दो दिनों से गहरी आत्मपीड़ा, तनाव और मानसिक वेदना में हूं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सदन के सदस्यों की ओर से लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। उच्च सदन की हर मर्यादा और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। सोचिए, जिसको सदन में उच्च दर्जा दिया गया हो उसी उपसभापति को अगर अपना दर्द यूं बयां करना पड़ रहा हो तो कैसा व्यवहार रहा होगा उन सांसदों का। बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तस्वीरों से ही बहुत कुछ बयां है। मर्यादा को भी तार तार किया। और जब उपसभापति खुद अपने घर से इनके लिए चाय लेकर पहुंचे तो वहां भी उनका अपमान हुआ। सांसदों ने चाय पीने से ही इनकार कर दिया। अब उपसभापति ने भी निर्णय लिया है एक दिन के उपवास का। एक तरफ देश की संस्कृति वाली मर्यादा है और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है देश में। ठीक है, विरोध करना है तो कीजिए, लेकिन मर्यादाओं को तोड़कर लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करके क्या हासिल होगा आपको, वो भी एक ऐसे बिल पर जो देश की रीढ़ यानी किसान को मजबूती देने के लिए बनाया गया हो। ये समझ से परे है।